जिला मुख्यालय के पुराना बस अड्डा परिसर में शुक्रवार को प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम के तहत समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विशेष रूप से शिरकत करते हुए करीब 296 करोड़ रुपए के विकास कार्य जनता को समर्पित किए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए जहां वित्त आयोग अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती की मुक्त कंठ से प्रशंसा की, वहीं उन्होंने इन सभी विकास कार्यों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम जयराम ठाकुर का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि छोटे से पहाड़ी राज्य को केंद्र सरकार ने बड़े स्तर के कई संस्थान प्रदान करते हुए मान सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने आईटीआई मंडी और सिरमौर, ट्रिपल आईटीआई उन्ना, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर, केंद्रीय यूनिवर्सिटी देहरा, धर्मशाला समेत कई संस्थानों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस जो काम 60 साल में नहीं कर पाई, नरेंद्र मोदी ने वह काम 8 साल में करके दिखा दिए। 198 करोड़ से ज्यादा पैसा कुछ बचा नहीं इस पार्टी।
इनके नेता एक यात्रा पर निकले हैं। कौन सी यात्रा है वो? भारत जोड़ो यात्रा। और कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वो भारत जोड़ो के लिए जा करके केरल में घूम रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में उनकी कांग्रेस पार्टी के दो वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, पवन काजल और हर्ष महाजन। जब इनमें तुमसे पूछा पत्रकारों ने कि कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी, उन मित्रों ने कहा एक सामान्य आदमी भी समझ सकता है कि अब कांग्रेस वो पार्टी बन चुकी है ना प्रदेश का किसी का भला कर सकती है, ना देश का भला कर सकती है, ना समाज का भला कर सकती है। तो ऐसे में जिस पार्टी का भविष्य समाप्त हो उस पार्टी